हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं रितिका पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो कैसे आप सभी, सुबह की प्यार भरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे गए, जय माता दी। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तुम देखिए गाइज, मैंने सुबह सुबह आटा लगा लिया है और मैंने बाबू के लिए आलू बीन्स की सब्जी बनाई थी और सभी के लिए मैंने आलू बैंगन काट दिया है। और देखिए मेरे हस्बैंड मुझे प्यार कैसे दिखा रहे हैं, मेरे को कैसे प्यार जता रहे हैं। देखिए आज मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, आज मेरे लिए बना रहे हैं सब्जी। तो आज मेरे हस्बैंड जी आलू बैंगन की सब्जी बना रहे हैं और खिड़की से देख रहे हैं ना कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा कि बनाते समय, मतलब हंसने के लिए सब आके हंसते हैं ना। तो देखो बना रहा है अपने पत्नी के लिए ऐसे। तो अब आ गई है अन्ना कृतिका, तो अन्ना कृतिका जा रही हैं स्कूल। तो देखिए बाय बोल रही थी तो हम लोग बाहर आए और मैं अपनी बेटी से मिलने लगे बाय बोलने के लिए और दोनों लोग आ गए छोड़ने के लिए। तो ये भी आ गए हैं सब्जी इसी तरह कम करके आँच पे और आ गए बाहर बाय बोलने के लिए। तो हम दोनों लोग इन लोग को बाय बोल के अब तक जाएंगे किचन में। तो देखिए वो दोनों चले गए स्कूल। इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं और जो सब्जी उनकी रह गई थी उसमें पानी डालना था तो ये बनाने लग गए हैं। और आज मेरे हस्बैंड जी इस तरह से मुझे प्यार दिखा रहे हैं सब्जी बना के। तो बताइएगा कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। और मेरे हस्बैंड जी पहली बार बना रहे हैं तो जो मेरी वीडियो देखिएगा पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक करेगा, कमेंट करिएगा। और मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि काम ज़्यादा कर रही हूँ, मैं तुम्हारा आज हेल्प करा देता हूँ। इसलिए देखिए सब्जी बनाने लगे और पानी वानी डाल रहे हैं। और देखिए सब्जी बहुत टेस्टी बना रहे हैं, इनको आता नहीं है बनाने फिर भी बना रहे हैं मेरे लिए। और इसके बाद देखिए पानी डाल रहे हैं किस तरह से। और प्लीज़ बताइएगा मेरे हस्बैंड जी कैसे हैं और ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को। देखिए कैसे बना रहे हैं, धीरे धीरे बना रहे हैं, इनको आता तो है नहीं बनाने। सब्जी बना रहे हैं किस तरह, पानी डाल दिए धीरे से। देखिए धीरे धीरे प्यार से काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ढकेंगे, थाली खोज रहे ढकने के लिए। देखिए ढकते हैं और इसलिए मैं सोचा आप लोग को दिखा दे ब्लॉग। इनको पता नहीं था कि इनकी वीडियो बन रही है, जब मैंने देख लगा दिया था ना वीडियो तब इनको पता चला कि मेरी वीडियो बन रही है। अब देखिए यहाँ पे चाय भी निकाल रहे मेरे लिए और अपने लिए। तो आज मेरे हस्बैंड जी ने चाय भी बनाया और सब्जी भी बनाई। देखिए अब चाय छानेंगे और मेरे लिए और अपने लिए दो कप निकाल रहे हैं चाय। और देखिए लेके जा रहे हैं किस तरह से। तो आई होप कि आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए मेरे वीडियो पे और पूरी वीडियो देखिएगा गाइस। पानी वानी डाल के सब्जी में चले गए थे। इसके बाद मैंने सब्जी देख लिया और दाल मैंने यहाँ पे बना ली है, दाल को निकाल दी हूँ बाहर। देखिए मैं आई हूँ छत पे और यहाँ पे मेरा बाबू कर रहा पढ़ाई। क्या करो पढ़ाई में? पैर नोच डाला। अच्छा क्या पढ़ाई कर रहे हो? तुम्हारा गल्ला भुट्टा खाना है ना? तुम्हारा गल्ला। मैं भुट्टा सेकने जा रही हूँ तो गल्ला पढ़ रहा हूँ। मजाक बहुत करता है, दिन भर पढ़ाई करता है। मैं छत पे बैठ के आई बिना चप्पल के आया था। तुम बिना चप्पल के क्यों आए थे? पूरा छत गर्म है और ये पत्थर गई गर्म है। आज जब आ के साथ मिलता है तो क्या बनता है? आ बनता है यानी धर्म पर उमस हो। धर्म यानी मान लो मैंने एग्जांपल लिया धर्म की पढ़ा रहे धर्म, अगर तुमको पढ़ा रहा हूँ अर्थ के साथ मिलेगा धर्म अर्थ अर्थ धर्म अर्थ के साथ जब जमेगा तो क्या बनेगा? धर्मार्थ। क्या बनेगा? धर्मार्थ। धर्मार्थ कैसे बनेगा बताओ, समझाओ। तुम बताओ क्या बनेगा? पहले आ के साथ आएगा, आ के साथ आएगा तो आ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है? अ है। क्या है? अ है। और यहाँ पे भी क्या है? अ है। अ है ना? धर्म अ आ रहा है लास्ट में। तो आ, धर्म अ जमा अ आ यानी आ की मात्रा। तो इधर लगा तो ये हटाओ, इधर लग गया।
अब उसके बाद लास्ट मैंने में जो कहा वही बन रहा है ना। हाँ बना। बात तो मेरी हुई तो हम जब चलती हूँ हाँ। भुट्टा पकाने नीचे और तुम आ जाना। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तैयारी करके। और ये पत्थर पे मत बैठो, मम्मी का दिल पत्थर का हो जाएगा। तो मैं चलती हूँ नीचे गए को खाना भुट्टा। किसको किसको खाना भुट्टा? भुट्टा सेकने जा रहे हैं। तुम्हें भी खाना है? तुम्हें कृतिका को तुम भी खाओगी? चलो सब लोग नीचे आ जाओ। और जिसको मेरा हेल्प करने का मन करे वो भी कर सकता है। हेल्प करना है भुट्टा से? ये क्या करेगी? ये तो रैक के नीचे ही आ जाएगी। चलेगी भुट्टा से? तुम भी चलो। तो मैं सेक लूँगी तो अभी आना, सेक लूँगी तो आना, ठीक है? मैं जा रही नीचे। तो मैंने जाते जाते पूछ लिया था अपना कृतिका से, उन लोग को भी खाना है। और गए शाम के नाश्ते के लिए मैं सभी के लिए भुट्टा निकालने लग गई हूँ। और इस सारे भुट्टों को छीलूँगी, इसके बाद देखूँगी, क्योंकि मेरे मम्मी जी को भी भुट्टा बहुत पसंद है, सासू माँ को और मेरे बाबू को, तो जो खाएगा सभी के लिए मैं भुट्टा सेक लेती हूँ और चाय बनाती हूँ। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और देखिए मेरे देवर जी की तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ गेहूँ के दलिया और दाल। और मेरी छोटी देवरानी के भी मतलब प्रेग्नेंट है, तो अब उसका डिलीवरी होने के टाइम आ रहा है, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे दीक्षा है, इसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, तो सारा काम आज मुझे ही करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे दलिया रख देती हूँ और इसके बाद मैं घी की सब्ज़ी बनाऊंगी गाइस। और आटा लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे घिया की सब्जी बना ली है, रात के खाने के लिए रोटी बनेगी। ये लगे हैं फोन पे बातें करो, चाय पीना वो फोन पे बातें करो, सब बिजी है, कोई किसी की बातें नहीं सुन रहा है गाइस। तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड जी के लिए भुट्टा और चाय बना लेती हूँ। गाइस मेरे हस्बैंड जी के लिए चाय और भुट्टा तैयार हो चुका है और मैं लेके जा रही हूँ लेने के लिए। क्या कर चाय नमक और नमक चाहिए। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय माता दी। Love you all. Bye-bye.